हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश की पोयम। पोयम का नेम है टू लिटिल डिकी बर्ड्स। सो यू कैन सी देयर आर टू बर्ड्स इन दिस पिक्चर। सी, ये दो चिड़िया आपको दिख रही है ना इस पिक्चर में, और ये है एक गर्ल, है ना। और क्या क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, देखिए। दिस इज सन, दिस इज हाउस, एंड दीज आर द प्लांट्स, है ना। ये देखिए, दिस इज कैटरपिलर, एंड दीज आर ऑल स्मॉल प्लांट्स। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, टू लिटिल डिकी बर्ड्स। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सैट अपॉन अ वॉल, सैट अपॉन अ वॉल। वन नेम पीटर, वन नेम पीटर। The other name Paul, the other named Paul. Fly away Peter, fly away Peter. Fly away Paul, fly away Paul. Come back Peter, come back Peter. Come back, Paul. Come back, Paul. So, इस पोयम में क्या बताया गया है कि दो छोटी चिड़ियां हैं यहाँ पर, जो कि एक वॉल पर, दीवार पर बैठी हुई हैं। ये देखिए, एक का नाम है पीटर और दूसरी का नाम है पॉल। तो ये जो दोनों बर्ड्स हैं, ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। फ्लाई अवे पीटर, फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि जो पीटर चिड़िया होती है वो उड़ जाती है, है ना। और जो दूसरी वाली पॉल नाम की चिड़िया होती है, वो भी आसमान में उड़ जाती है। फिर क्या होता है, थोड़े वक्त के बाद पीटर भी वापस आ जाती है और पॉल भी वापस आ जाती है, है ना। आप लोग ने देखा होगा ना, आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास भी आपने बर्ड्स देखी होंगी, है ना, चिड़िया देखी होंगी जो आसमान में उड़ती हैं, है ना। और तिनका इकट्ठा कर करके अपना घरौंदा, जो उनका घोंसला होता है, वो बनाती हैं, है ना। और ये सुबह जाती हैं आसमान में उड़ने, और रात को अपने घोंसले में वापस आ जाती हैं, है ना। बर्ड्स जो हैं वो ऐसा ही तो करती हैं। और आपको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जब वो उनके एग्स होते हैं तो कभी भी वो अपने एग्स के पास किसी को भी नहीं आने देती हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कभी बर्ड्स के अंडों को, एग्स को देखा भी होगा, है ना। तो हमें कभी भी बर्ड्स के जो एग्स होते हैं वो तोड़ने नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें से बर्ड निकलेंगी। तो हमें उनका उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम इस तरह से एक्शंस के साथ करेंगे। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल। कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। मजा आया आपको पोयम में? चलिए फिर से एक बार करेंगे। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सैट अपॉन अ वॉल, वन नेम पीटर, द अदर नेम पॉल। Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. So now let's check which are the colors in this page. तो अब हम चेक करते हैं कि इस पेज में कौन कौन से कलर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज येलो। सन का कलर क्या है? येलो। और प्लांट का कलर ग्रीन। देखिए, हर जगह पर प्लांट
किस कलर का है? ग्रीन कलर का है ना। तो जो ग्रीन कलर का क्या है यहाँ पर, प्लांट्स हैं। ओके एंड नाउ ये जो बर्ड है ये किस कलर की है? दिस इज पर्पल एंड येलो, है ना, मिक्स है ना, पर्पल एंड येलो। और दिस बर्ड इज ऑफ ब्राउन एंड येलो कलर, ब्राउन एंड येलो कलर। और ये जो गर्ल है इसके क्लोथ्स के कलर क्या हैं? रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। नाउ ये जो हाउस है इसका कलर क्या है? ये है ब्राउन, और ये कुछ कुछ स्काई ब्लू जैसा लग रहा है, ग्रे जैसा भी कह सकते हैं। एंड ये हाउस पिंक कलर का है और ये ब्राउन है। कितने सारे इसमें कलर हैं। और इसमें जो मशरूम है इसका कलर रेड दिखाया गया है, और ये जो जितने भी स्टोन्स हैं ना, पत्थर, इनका कलर है ग्रे। कौन सा कलर है? ग्रे। तो आप लोग ने पोयम अच्छे से पढ़ ली है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। दीज आर द बर्ड्स, टू टिकी बर्ड्स। ये देखिए ये क्या है? डिकी बर्ड्स हैं। तो चलिए एक बार हम इनके साथ भी पोयम पढ़ेंगे। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। थैंक यू।